हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंशिका जो वापस से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वीडियो लेके। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और मस्त होने वाला है ये वाला वीडियो, तो एंड तक कनेक्टेड रहिएगा। और सबसे पहले, अगर मेरे चैनल का नाम है स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी करो। और जैसा कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा कि मेरे आज का जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली होने वाला है लिपस्टिक्स के बारे में। What to say? I am fond of lipsticks and I know there are many girls out there जो कि मेरे जैसे बहुत ज़्यादा fond of होंगी lipsticks की। So लड़कियों, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब क्या होता है, जब हम lipsticks choose करने जाते हैं ना मार्केट में, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। पहली चीज़ तो बहुत सारे लोग, हम ये देखते हैं कि ये lipstick थोड़ी bold है या फिर soothing है, office के लिए है या फिर party look के लिए है। सो लिपस्टिक चूज़ करते टाइम हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और ऐसे में वैरायटीज इतनी हैं, ब्रांड्स इतने हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि किस ब्रांड की लिपस्टिक है, कौन सी लिपस्टिक अच्छी होगी नहीं होगी, वाटरप्रूफ है या नहीं है। बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो हमको एक लिपस्टिक चूज़ करने के टाइम पर देखने चाहिए। सो मैं आपकी उस क्राइटेरिया को कट शॉर्ट करके आज जिस क्राइटेरिया पर वीडियो बनाने वाली हूँ, जो वीडियो है मेरा आज का, वो है कि हम ऑफिस गोइंग गर्ल्स या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो कि बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर्स यूज़ नहीं करती हैं या नहीं करना चाहती हैं, नहीं कर सकती हैं, उनके लिए ऐसे टॉप 10 सूदिंग कलर्स जो हम ऑफिस में डेली यूज़ में वेयर कर सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सो फॉर दैट द फर्स्ट कलर विच आई एम गोइंग टू टेक, इट्स फ्रॉम द ब्रांड लैकमे, इट्स दिस वन, लैकमे एब्सोल्यूट मैट जेल कलर पाउट लिपस्टिक। अगर मैं इस लिपस्टिक की बात करूँ तो इसका कलर जो है वो न्यूट शेड की तरफ है, इफ़ यू कैन सी, और ये डार्क, थोड़ा सा ब्राउन, डार्कर ब्राउन के साइड पे है। अब मैं सबसे पहले इसका आपको टेक्सचर दिखाती हूँ और कलर भी आपको दिखाती हूँ। सो इफ यू कैन चेक, दिस वन इज द कलर, ये काफ़ी डार्कर ब्राउन की तरफ कलर है। और मैं एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, जो मैं बताना चाहती हूँ, इस वीडियो में मैं जितनी भी सारी लिपस्टिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ, वो सारी लिपस्टिक्स के कलर ऑलमोस्ट एवरी स्किन टोन पे सूट करने वाले हैं, बिकॉज आई हैव अ व्हीटिश स्किन टोन एंड मेरे स्किन टोन पे आई हैव टेस्टेड ऑल दीज कलर्स एंड दे लुक फैब ऑन इट। सो बिना टेंशन के आप ये कलर्स ले सकते हो। एंड सो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात करूँ तो इस लिपस्टिक का शेड है, इट्स शेड 17 क्रश्ड कैरमल, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शेड। यू कैन गो विथ, आप नॉर्मली डे टाइम, नाइट टाइम में भी इवन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका ब्राउनिश कलर टेक्स्चर है, तो ये नाइट में भी अच्छा लगेगा। नाउ सेकेंड लिपस्टिक की जो मैं बात करने वाली हूँ, वो भी एक न्यूड शेड की तरफ है, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड लैक्मे 925 वेटलेस मैट मूज लिप एंड चिक कलर्स, दिस वन। अब इसका जो शेड है दैट इज कॉफी लाइट, तो कॉफी लाइट, अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ तो ये कुछ ऐसा है, इफ यू कैन सी, ये बहुत ही ज्यादा न्यूड शेड है, बहुत ही ज्यादा व्हीटिश अगर आपका स्किन टोन है तो थोड़ा सा लिप्स पे ये विजिबल इतना नहीं होगा, बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ नो मेकअप डे और आपको न्यूड कलर्स चाहिए, जैसे कि मैं भी आई एम इन अ सर्च ऑफ न्यूड शेड्स एवरी टाइम, तो ये काफ़ी अच्छा शेड है। एंड वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसी कारण मैं सबके प्राइजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सारी लिपस्टिक्स की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूँगी। नाउ अब हम बात करते हैं थर्ड लिपस्टिक के बारे में, अब थोड़ा पिंक की तरफ चलते हैं ना। तो अब जिस लिपस्टिक की बात करने वाली हूँ, दिस लिपस्टिक इज फ्रॉम द ब्रांड शुगर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है। इसका शेड है इन द शेड 07 ट्वाइलाइट रोज। इस लिपस्टिक का रिव्यू मैं पहले भी कर चुकी हूँ, इफ़ यू वांट मैं इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पूरी डिटेलिंग है। अगर मैं इसके शेड के बारे में बात करूँ, सो सी इट्स लाइक दिस शेड, वेरी रोजी पिंक शेड, काफ़ी अच्छा टिंट है इसका, बहुत प्यारा शेड आता है लगाने के बाद। आपको बिल्कुल भी ऐसा लाइट मेकअप करना हो और एकदम पिंकिश लिपस्टिक की तरफ जाना है तो वो ये वाली लिपस्टिक है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी एक और लिपस्टिक जो है
ये लिपस्टिक है वाटरप्रूफ लिपस्टिक एंड मैं इस लिपस्टिक की डाई हार्ट फैन हूँ. मेरे बहुत सारे आपको दो वीडियोस मिल जाएंगे इस लिपस्टिक के बारे में, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो. ये लिपस्टिक है सुपर स्टे मैट इंक मेबेलिन इन द कलर शेड 135 विद द नेम कलर शेड 135. इसका भी टेक्सचर मैं आपको दिखाती हूँ. If you can see that this fourth one color, ये brick के color जैसा है little bit, और ये काफ़ी सुंदर लगता है लगाने पर. एंड ये सारी लाइक इंडियन वेस्टर्न ऑल काइंड ऑफ ड्रेसेस के साथ बहुत ज़्यादा सूट करता है. तो अब मैं बात करती हूँ मेरी फिफ्थ लिपस्टिक के बारे में. सो ये लिपस्टिक का नाम है लैक्मे एनरिच मैट. तो मैं जो इस लिपस्टिक के और इस लिपस्टिक के बारे में बात करने वाली हूँ, इसका जो शेड है इट्स PM 11. ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड है. इट्स इफ़ यू कैन सी इट्स नियॉन पिंक कलर और काफ़ी पॉपी लगता है ये लिप्स पे लगाने के बाद. बट ऑन द सेम हैंड आप ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ओवर मेकअप कर रखा है या समथिंग लाइक दैट. तो ये भी काफ़ी अच्छी लिपस्टिक है एंड उन गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें बहुत ज़्यादा पॉपी कलर जैसे ब्राइट ऑरेंज ब्राइट पिंक पसंद है एंड दे कैन कैरी इट वेरी ब्यूटीफुली. तो उनके लिए ये शेड है. उसके बाद मैं अगर बात करूँ इसके बाद अपना आता है शेड जो मैं अगली लिपस्टिक के बारे में बात करने वाली हूँ, दैट इज़ लैक्मे एब्सोल्यूट लिप पाउट मैट. लैक्मे की बहुत सारी अच्छी लिपस्टिक्स हैं मार्केट में और दे मेक ब्यूटीफुल सूदिंग शेड्स. सो लैक्मे इज़ वन ऑफ द गुड ब्रांड इन दैट. इसकी बात करूँ तो इसका शेड है इन द शेड पिंक फैंटास्टिक. इसका मैं अगर आपको कलर दिखाऊँ सो इट्स लाइक दैट. अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी पिंक का थोड़ा सा डार्कर वर्जन है, थोड़ा सा डार्कर वर्जन है, बट ऑन द सेम हैंड इट्स अ ब्यूटीफुल शेड. अब जो सिक्स नंबर शेड की बात मैं करने वाली हूँ, सेवेंथ नंबर शेड की बात मैं करने वाली हूँ, दैट इज माई फेवरेट शेड. इट्स मैजेंटा मैजिक. इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेड. और मैं अगर आपको ये शेड दिखाऊँ तो ये थोड़ा सा डार्कर है, इफ यू कैन चेक, थोड़ा सा डार्कर शेड है पिंक इंथुजियाज से, बट ये बहुत प्यारा लगता है. और इस लिपस्टिक का लास्टिंग भी काफ़ी अच्छा है. जितने भी लिपस्टिक्स मैंने आपको अभी तक बताई हैं इनका लास्टिंग ऑलमोस्ट 4 to 8 hours लास्टिंग है. एंड दैट मेबेलिन मैट वन दैट इज अराउंड 10 hours लास्टिंग. सो दैट इज़ अ वेरी गुड लिपस्टिक. उसी मेबेलिन की सीरीज में एक और लिपस्टिक है जो कि आती है 8th नंबर पे, दैट इज इन द शेड 25. एंड ये काफ़ी पॉपी ऑरेंज कलर है, ये बहुत ही प्यारा लगता है लाइक ऑल काइंड ऑफ ड्रेसेस, एनी काइंड ऑफ ड्रेसेस विच यू आर वियरिंग, बहुत प्यारा लगता है ये शेड. बस इसके लिए मैं एक आपको ज़रूर, इफ़ यू कैन चेक दिस वन, या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल शेड. बस इस शेड के साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि इसको डबल कोट ज़रूर करें. डबल कोट करने पर एग्जैक्ट कलर इस शेड का आपको देखने मिलेगा एंड दैट लुक ब्यूटीफुल. 9th नंबर पे जिस लिपस्टिक की मैं बात कर रही हूँ, इट्स फ्रॉम कलरिसेंस. कलरिसेंस का ये कलर है LW1 कैंडी. ये भी ऑरेंज की तरफ शेड है. इफ़ यू कैन चेक, या सी दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉपी ऑरेंज. सो क्या होता है ना कि हम ऑरेंज कलर लेने से पहले काफ़ी सोचते हैं, इफ़ वी हैव अ वीटिज स्किन टोन तो हम काफ़ी सोचते हैं कि ऑरेंज कलर हम ले या नहीं ले. सो गो फॉर इट, इट्स अ ब्यूटीफुल ऑरेंज शेड. ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो लास्ट लिपस्टिक की बात मैं बात करने वाली हूँ वो लिपस्टिक है कलरबार से एंड इट हैज़ अ शेड डीप फैंटेसी 92. ओके, आई विल प्रॉपरली गिव ऑल द डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑल दीज लिपस्टिक्स विच आई हैव टेल यू. सो इट इज़ ऑल्सो पिंक काइंड ऑफ शेड, बट ये भी बाकी सारे पिंक से थोड़ा सा अलग है. चेक इफ यू कैन सी, ये भी लाइटर पिंक है, काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देता है लगाने के बाद. तो ये रही मेरी 10 लिपस्टिक्स जो ऑफिस गोइंग या कॉलेज गोइंग लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी. यू कैन चेक फॉर एनी ऑफ द शेड्स, दे विल लुक फैब ऑन यू. तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स
And yes, at last but not least, believe in the philosophy of loving yourself.